दोस्तों, आज हम लोग यह देखेंगे किसी भी बॉयलर का जो है हीटिंग सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। यह अब तक की मोस्ट अवेटेड वीडियो है। कई लोगों ने यह कमेंट करके पूछा, भाई निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए बहुत आसान है। किसी भी बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की लंबाई आपको लेना होगा। या आपका बॉयलर जब शट डाउन होता है उस समय आप देख सकते हैं कि आप मेजर टेप लेके या इंच टेप लेके आप चेक कर लीजिए कि आपके बॉयलर के अंदर जो है जो ट्यूब लगी है, जिस वो स्मोक ट्यूब है, उसका लेंथ कितना है। तो हमने देखा, चेक किया, तो हमारा जो है 140 इंच आता है, हमारे ट्यूब का लेंथ आता है। और उसका जो ओडी होता है, आउटसाइड डायमीटर, जिसे बाहरी व्यास कहा जाता है, वो 1.75 इंच, 1.25 इंच आता है। और नंबर ऑफ ट्यूब यहाँ लिखा गया है। और उस बॉयलर में जो है सेकंड पास और थर्ड पास के लिए 112 ट्यूबें लगी हुई हैं। इसके लिए हमें इसका सबसे पहले हम लोग हीटिंग सरफेस एरिया निकालेंगे ट्यूब का। उसके बाद जो होता है हम फर्नेस निकालेंगे। फर्नेस के बाद जो होता है पीछे साइड थर्ड पास सेकंड पास के लिए, जो सेकंड पास के लिए जो जगह होती है कंबसन चैम्बर से, यहाँ से स्मोक ट्यूब गैस ऊपर जाती है, फिर ये थर्ड पास या सेकंड पास के लिए इधर आती है जो ट्यूब में आती है। तो उसके बाद हम लोग फर्नेस का निकालेंगे, उसके बाद कंबसन चैम्बर का निकालेंगे। या तीनों का एरिया निकाल कर, जैसे ट्यूब का, फर्नेस का और कंबसन चैम्बर का, इसको निकालने के बाद प्लस कर देंगे जो हमारा पेपर पर बॉयलर के लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट पे कि कितना हीटिंग सरफेस है या उसका हीटिंग सरफेस एरिया कितना है। तो हमें एक बॉयलर के सर्टिफिकेट का मिला जिसका हीटिंग सरफेस एरिया जो था 64 स्क्वायर मीटर दिया गया था। तो हमें ये चेक करना है कि वह सही है कि गलत है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो ट्यूब का लेंथ लिया और ओडी उसका आउटसाइड डायमीटर लिया और कितनी ट्यूब है उनको भी गिन के रखा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ट्यूब का जो होता है हीटिंग सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब इंटू ओडी इंटू नंबर ऑफ ट्यूब। ट्यूब की लंबाई 140 इंच है और बाहरी व्यास जो है, आउटसाइड डायमीटर जो है 1.7 इंच है, 1.25 इंच है, जो ट्यूबों की संख्या जो है 112, नंबर ऑफ ट्यूब जो है हमारा 112। तो हम पहले लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है, लेंथ जो है 140 इंच है, हम लोग यहाँ इंच में ले रहे हैं, और आउटसाइड डायमीटर जो है 1.75 इंच है, 1.75 इंच ले लेते हैं। और कितनी ट्यूब हैं, 112 ट्यूबें लगी हुई हैं, 112 ट्यूब। तो लेकिन यह वैल्यू जो दी गई है इंच में है, लेकिन हमारा जो एरिया आ रहा है स्क्वायर मीटर में आ रहा है। तो हमें इंच से पहले इसके स्क्वायर फिट में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर फिट से कन्वर्ट करने के बाद हम इसको स्क्वायर मीटर में लेके जाएंगे। तो जैसे आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए जैसे इंच से फिट में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका 24 इंच है तो उसमें कितना फिट हुआ, तो 24 इंच जो होता है, एक फिट में जो होता है 12 इंच होते हैं, तो 24 इंच में तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं फिट में लाने के लिए, क्योंकि इंच में था तो 12 से डिवाइड किए, क्योंकि 12 इंच में एक फिट होता है, तो हमने 24 इंच में कितना फिट होगा तो डिवाइड कर देते हैं तो पता लग जाता है हमारा 2 फिट होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखना है, हमें स्क्वायर मीटर में लाना है, लेकिन हमारी वैल्यू जो है मैंने निकाला जो है इंच में लिया था, तो उसको हम कन्वर्ट करके मीटर, देखिए हमारा जो है इंच में था तो इसको फिट में कन्वर्ट करने के 12 से डिवाइड किया, 1.75 इंच था इसको डिवाइड किया, तो हमारा जो ऊपर की वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद 3.14, 1.140, 1.75, कितना आंसर हमारा निकल कर आता है, मोबाइल से आप कर सकते हैं, 8616 1.6 आता है। और इसके बाद 144। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आता है 598.34, और भी कुछ नंबर होंगे लेकिन हम दो ही डिजिट ले रहे हैं, स्क्वायर फीट आएगा।
हमें तो स्क्वायर मीटर में चाहिए, लेकिन क्या है इंच में हमने वैल्यू ली थी तो उसको क्या किया 12 से डिवाइड किया, दो बार थे तो इसमें दो बार आया तो ये स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद 861.61.6 आता है और इसके बाद 12 × 12 करने के बाद 12 × 12 144 आता है, तो हमारा 598.34 स्क्वायर फीट आ जाता है। अगर अभी हमें स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करना होगा, अब इसी वैल्यू को 598.34 को 10.76, हाँ अभी ये 10.76 कैसे है, हमें ज्ञात है कि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू जो होता है 10.76 स्क्वायर फीट होता है। तो क्या करना है, हमारा ये स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट से हमें स्क्वायर मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे ये 10 जो है 10.76 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आता है 55.6082 स्क्वायर मीटर। ये हमारा हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की हीटिंग सरफेस जो है 55.6082। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा यही होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग सरफेस जो होता है ट्यूब का ही निकल के आता है। अभी हमारा जो वैल्यू निकल के आती है 55.6082 आया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पहला 55.6082 स्क्वायर मीटर या स्क्यू मीटर, तो ये तो हो गया ट्यूब का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्नेंस का लेंगे, फर्नेंस का लेंथ दिया गया है क्या क्या, इसका सर्कमफेरेंस परिधि जिसे कहते हैं गोलाई, पहले तो हमने क्या किया जो हमारा फर्नेंस है उसका कितना लंबा है और उसके बाद हम मेजर टेप से इसको मापते गए इसकी गोलाई कितनी है, तो देखा कि 103 इंच था यहाँ तक इसका लंबाई और इसकी गोलाई जो है सरकमफ्रेंस जो है 98 इंच आता है। तो इसके बाद हम इसका निकालते हैं, हाँ अब हीटिंग सरफेस जो है हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द फर्नेस निकालेंगे, फर्नेस क्या है तो यहाँ आप हमें क्या दिया गया है, लेंथ जो है लेंथ है और सर्कमफ्रेंस है, हाँ हमें ज्ञात है कि C इक्वल टू जो होता है पाई डी होता है। यहाँ आप देखिए इसके पहले जो था पाई और डी की जगह पे हमें अलग अलग वैल्यू रखे थे, दोनों चीज़ें सेम हैं, अगर यहाँ इसी की जगह अगर रखना चाहें चेक करना चाहें तो L इंटू सी की जगह क्या रखेंगे आप पाई इंटू डी इंटू, यहाँ नंबर ऑफ द ट्यूब होता है यहाँ, तो सेम वही चीज़ है 12 × 12 पहले भी था। तो अब आप क्या करना है, यहाँ जो लेंथ दिया गया है लेंथ हमें जो है 103 इंच है 103 इंच ले लिए और यहाँ देखें जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू पाई और D की जगह पे हमें सर्कमफ्रेंस पूरा पता है, हमें सर्कमफ्रेंस ज्ञात है कि हमारा जो सर्कमफ्रेंस है 98 इंच का है, 98 इंच ले लेते हैं इंटू नंबर ऑफ फर्नेस है क्योंकि एक ही फर्नेस है तो उसकी संख्या एक ही होगी। अब फिर 12 × 12 क्योंकि हमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, 103 × 98 करते हैं तो हमारा आंसर जो निकल के आता है, एक मिनट रुको, 103 × 98 103 × 98 करते हैं तो हमारा आंसर जो निकल के आता है 103 × 98 करने के बाद 10094 आता है और 12 × 12 12 × 12 करने के बाद हमारा वैल्यू आती है 144। तो लेकिन यह हमारा स्क्वायर फीट में आया है तो हमें स्क्वायर मीटर में इसके पहले की तरह हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ अभी डिवाइड करना है 10094 को 144 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 70.09 और वैल्यू कुछ रहेंगे स्क्वायर फीट में आता है। लेकिन हमें स्क्वायर फीट में लेना नहीं है, हमें लेना है स्क्वायर मीटर में, फिर उसी पहले की तरह हमें ज्ञात है कि 1 स्क्वायर मीटर जो होता है 10.76 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, अगर हमारा 70.09 स्क्वायर फीट है तो कितना स्क्वायर मीटर होगा, तो हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को 10.76 से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो आंसर निकल के आता है
6.51 स्क्वायर मीटर आ जाता है। हमारा ट्यूब का हो गया और फर्नेंस का भी हीटिंग सरफेस एरिया निकल के आ गया 6.51, और इसका क्या था 55.6082 या 61 कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप बचता है फर्नेस कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर का हीटिंग सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक, अब यहाँ फर्नेस का हो गया, अब हम ज्ञात करते हैं कंबसन चैम्बर का हीटिंग सरफेस एरिया क्या होगा। कंबसन चैम्बर का हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द कंबसन चैम्बर, तो ठीक उसी की तरह हमारा जो सर्कम्फ्रेंस है इसका, इसके सेकंड पास के लिए जो स्पेस होता है, यहाँ से ट्यूबों में जाता है, फ्लू गैस अंदर आती है और यहाँ से उठने के बाद जाती है। क्या इसको राउंडिंग में हमने ये मेजर टेप से लेके पूरा मेजर किया तो देखा कि हमारा 94 आता है इंच, तो इसका सर्कम्फ्रेंस जो आता है सी और लेंथ क्या आता है 16.8 है और नंबर जो है हमारा एक ही है। तो आप पहले की तरह सी इक्वल टू पाई डी, लेकिन यहाँ हमने सर्कम्फ्रेंस लिया है। यहाँ दिक्कत ये होगी कि हम इसका डायमीटर लेने में हम एग्जैक्ट ले नहीं पाएंगे, तो हमने क्या किया मेजर टेप को यहाँ चिपका के धीरे 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 पूरा सर्कम्फ्रेंस ही निकाल लिया, जिससे यह आसान हो गया कि नहीं तो क्या हो जाता है कोई डायमीटर अच्छे से नहीं आएगी तो ये हीटिंग सर्फेस एरिया जो आपके लेट बॉयलर सर्टिफिकेट पर होगा वो मैच नहीं करेगा। तो हम यहाँ सी को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो सी की वैल्यू जो होती है, सी की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है तो पाई डी की ज़रूरत नहीं है। सी की वैल्यू हमें पता है, जो सर्कम्फ्रेंस है परिधि इसकी है 94 इंच की है, लेंथ जो है 16.8 इंच का स्पेस है उधर 16.8 इंच का है और नंबर जो है एक ही कंबसन चैम्बर है। तो इसको हमें इंच है, इसको फिट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भागा देंगे, डिवाइड किए, जो स्क्वायर फिट में हमारा वैल्यू लेके आएगा। क्या था जो हमारा सर्कम्फ्रेंस थे 194 इंच का था, तो यहाँ 94 ही लिखने गलती थोड़ी हुई। अब क्या करेंगे 194 इंटू 6.8 करेंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 194 इंटू 16.8 करने के बाद आंसर आता है 194 इंटू 16.8 करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 3259.2 आता है। अभी 12 × 12 12 × 12 करने के बाद हमारा आंसर आएगा 144, लेकिन ये इंच में था, हमने इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया है। अब 3259.2 को 144 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 22.633 स्क्वायर फीट आता है। तो अभी हमें स्क्वायर फीट में नहीं चाहिए हमारी वैल्यू, हमें इसको स्क्वायर फीट से कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर में। जैसे 1 स्क्वायर मीटर 10.76 स्क्वायर फीट होता है, तो 22.633 स्क्वायर फीट में कितना स्क्वायर मीटर होगा, तो हमें क्या करना होगा 22.633 को 10.76 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2.10 स्क्वायर मीटर। अब हमें तीनों वैल्यू ज्ञात हो गई है कि हीटिंग सरफेस एरिया जो है ट्यूब का कितना होगा और फर्नेंस का कितना होगा और कंबसन चैम्बर का होगा कितना होगा। तो कंबसन चैम्बर का जो वैल्यू निकल कर आ रही है 2.10 स्क्वायर मीटर। अब हम तीनों वैल्यू को प्लस करते हैं, फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो है, रिप्लेस कर देते हैं 8 को, दो डिजिट ही लेते हैं, और इसके बाद आता है फर्नेंस। फर्नेंस का आता है 6.51 प्लस 2.10, इसको प्लस करने के बाद 1, 6, 5, 11, 11 प्लस 1, 12, 2, 1 कह रहे
64.21 स्क्वायर मीटर हमारा टोटल हीटिंग सरफेस एरिया जो हमारे बॉयलर सर्टिफिकेट पे लिखा था। हाँ, वो कभी भी ध्यान रखना, वहाँ पॉइंट में नहीं लिखा जाता है तो, लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो हमारे बॉयलर का निकल के आया 64.21 स्क्वायर मीटर आ गया, टोटल हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर, जो हमारे बॉयलर सर्टिफिकेट से मैच करता है। हाँ, ध्यान रहे दोस्तों, सब बॉयलर जो होते हैं, ये जो आयल फायर या गैस फायर जो होते हैं एलडीओ फायर के बॉयलर के लिए ऐसा होता है, लेकिन जो और भी बॉयलर होते हैं उसमें वाटर वाल्व भी होती है, कम्बसन चैम्बर भी तो होता ही है, फर्नेस होता है, एस चैम्बर होता है, तो हम उसको अगर उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर उस पर वीडियो चाहिए कि उसका हीटिंग सरफेस आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से निकालेंगे, लेकिन अगर उसको आप जानकारी चाहिए तो उसको भी हम आपको बता देंगे। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।